अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, खुश है, फिट है? आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खुश फिट मज़े में है। अभी अभी उठा है भाई, जा रहा है ऑफिस। ऑफिस क्यों जा रहा है यार? आज कुछ काम है, काफ़ी ज़्यादा ही है। एक तो क्या नाम है, काम है कि थाई एम्बेसी जाना है, वीज़ा अप्लाई करना है थाईलैंड का। दूसरा काम है कि KLCC जाना है, जो वो पेंड नहीं सी स्कूल आज तक नहीं फड़ी हो फंडी का आगे। तो मैंने दो दिन बाद ही मैसेज करेंगे सर आके ले जाओ, हाले डेढ़ हफ्ता हो गया तक जा चुकी नहीं है, आ जाके हो चुके हैं। और वैसे फिर कुछ घूमेंगे, खाए पिएंगे और घर वापस आ जाएंगे। अभी पापा ने कहा था कि तुम 3:30 तक ऑफिस आ जाना, देखता हूँ गाड़ी है तो गाड़ी पे चलेंगे, नहीं तो फिर पैदल चलेंगे वहाँ से गाड़ी पे। मैं अभी देखता हूँ ना। अरे यार गाड़ी तो है नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा। A few moments later. अरे यार पहुंच गए हैं यहाँ से गाड़ी ले। मैं गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ, चाबी तो है मेरे पास, मैं गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ। पापा को मैसेज करता हूँ, वो आ जाएंगे फिर निकलते हैं। हेलो जी, कैसे हो टीको? यार सोच रहे होगे कल से अचानक इधर पहुंच गया सीधा। तो यार कल हम निकल गए थे सिग्नल पे खड़े, तो पापा को याद आया कि यार बुकिंग नहीं करवाई होटल की। तो वो बुकिंग .com से करवाने लगे, लेकिन वो ऑन द स्पॉट हो नहीं रही थी, पता नहीं क्या मसला आ रहा था, कोई एरर आ रहा था। खैर मैं हम वापस आ गए, तो मैं आगे सो गया, कल कुछ किया भी नहीं, कहीं गए भी नहीं। तो अब और शाम तक पापा ने करवाई थी बुकिंग। ये देखो सिर्फ ये पेपर उस फाइल से खाली अलग है, बाकी सारे हैं, तो इसलिए। तो अब फिर हम जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, आज जाना है, आज पक्का जाना है। यकीन कर लो यार, यकीन कर लो आज जाना है। हाँ ये देखो, आज पैदल ले गाड़ी पे जाएंगे। फ्रैंकलिन अपनी गाड़ी भी लेके गया हुआ है, क्योंकि फ्रैंकलिन क्यों लेके गया हुआ है, क्योंकि फ्रैंकलिन भाई चले गए हैं इंडिया, इंडिया कुछ छुट्टी अपनी फैमिली से मिलने, एक दिन मिलने के लिए। तब तक ये गाड़ी भी इधर ही है। तो अब ये भी सोच रहे हो कि यार ये गाड़ी तुम लोग पार्क किधर करे, तो भाई वो गार्ड गुड़ से क्या करवा के ना एक और पार्किंग अरेंज करवा ली है। तो अब दो गाड़ियाँ, अब मैं जाता हूँ ऑफिस, ऑफिस से फिर आगे निकलते हैं, जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर KLCC जाके पैंट फाड़ देने। भाई चले पेट्रोल डलवा लिया, निकले अब। ओए वैसे पहुंच गए हैं यहाँ से वीज़ा अप्लाई करके, फिर तुम लोगों को चलाता नहीं सारा सी। तो भाई पापा गए अंदर वीज़ा अप्लाई करने, मैं इधर बैठता हूँ छाव में। वीज़ा अप्लाई करके आ जाए, फिर चलते हैं KLCC। खाना खाने का सोच रहे हैं, चौकट से खाएंगे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से, यहाँ या तो पाकिस्तान से खाएंगे। तो भाई पहली बात मैं बताता हूँ कि मैं भी इस थाईलैंड नहीं जा रहा, पापा जा रहे हैं, क्योंकि बैंकॉक में कोई कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग, जिसमें ऑफिस से कुछ कलीग जाए इंक्लूडिंग पापा, तो इसलिए वो वीज़ा यहाँ फाइल करने आए हैं। मैं नहीं जा रहा ठीक है, और मैंने तो ऑस्ट्रेलिया जाना है भाई। खैर अभी पापा आ जाए, फिर यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर KLCC जाते हैं। ये भी देखते हैं KLCC जाके खाना है या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का खाना, ये भी देख लेते हैं। खैर मेरा मूड पर्सनली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का, लेकिन मूड बदल भी सकता है, आते हैं पापा से देखते हैं। अरे यार वीज़ा अप्लाई हुआ नहीं, वो कहते स्लॉट लो, कॉन्फ्रेंस है फरवरी के एंड में, पूरे फरवरी में स्लॉट नहीं है। और हम पापा अब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाके मेल करो फिर कुछ हो सकता है। खैर अभी देखते हैं, यहाँ से निकलते काम कुम करते, फिर पापा कहते हैं मैं ऑफिस जाके मेल करूँगा, आवाज़ का इशू हो रहा होगा तो संभाल लेना, ठीक है? अभी यहाँ से निकलते हैं।
सोच रहे हो गए यहाँ क्यों है भाई, यहाँ पार्क गाड़ी पार्क की है, पार्किंग नहीं मिल रही थी यहाँ की है बार। अभी ऊपर जाते हैं, सबसे पहले अपने पैंट पकड़ते हैं, वो भी थक चुके होंगे, एक पैंट नहीं लेना यार, एक पैंट पकड़ते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। अरे भाई पैंट तो फुल फिट हैवी हो गए। वो जगह है जहाँ रात को ना मींस के डांसिंग वाटर्स डांसिंग शावर्स जो कहना है वो इधर वो होता है रात को 9 बजे, ठीक है। लेकिन ये मुझे तो एरिया छोटा लगता है जो उधर है ना बाचे मस्जिद के साथ मीनार पाकिस्तान में जो है उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, बड़ा है इससे, ये तो बहुत छोटा सा एरिया। लेकिन खैर ये ट्विन टावर्स है, ठीक है यार, इसको ट्विन टावर्स भी कहते हैं, उसके अलावा इसको पेट्रोनास टावर्स भी कहते हैं, उसके अलावा इसको KLCC भी कहते हैं। इसको क्यों बनाया गया था? बनाया इसलिए गया था कि मलेशिया के लोगों की अमीरियत दिखाई जाए। और इसको पेट्रोनास क्यों कहते हैं? पेट्रोनास देखा होगा, पेट्रोनास पेट्रोल पंप्स, ये पेट्रोनास पेट्रोल पंप्स का हेड क्वार्टर है, इसलिए इसको पेट्रोनास टावर्स कहा जाता है। और इस अब तो खैर इससे बड़ी बिल्डिंग बन गई है मलेशिया में, अभी इससे बड़ी बिल्डिंग बनी है वारसी का मार्डे का टावर करके कोई है, वो 679 मीटर, और मेरे ख्याल से वो दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वो तैयार हो गई है। लेकिन नीचे जो उसके मॉल्स वगैरह हैं वो अभी बन रहे हैं, वो अगर कहीं मुझे नज़र आती है ना मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये KL टावर से छोटा है, KL टावर इससे भी बड़ा है, लेकिन वो जो वारसी का मार्डे का टावर है वो KL टावर से भी बड़ा है। खैर ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अच्छी है इस तुम लोग सोच रहे हो ट्विन टावर है, दो सेम बिल्डिंग्स कैसे? यार मैं तुम लोग को बताता हूँ, दो एक ना इधर का प्रेसिडेंट था, ठीक है, वो उसका एक जुड़वा भाई था, वो दोनों सलाम मिला रहे थे, तो वो दोनों सेम शक्ल थी, उनकी फ़ोटो ली तो उन जैसी एक दमाल कर गई थी। मजाक कर रहा हूँ। खैर इधर देखो गार्डन भी अच्छा खासा बनाया हुआ है, ठीक हैवी किस्म का मॉल है। पेंट ले लिया हमने, ठीक है, पापा अंदर, पापा कहते धूप बहुत है, तुम जाके वीडियो बना लो, मैं ठीक है बना लेता हूँ, धूप वाकई बहुत है। पेंट ले लिया, शूज़ मुझे पसंद नहीं है, फिर किस दिन सही कहीं और से पकड़ेंगे। और अभी यहाँ से निकलते हैं, भूख भी बहुत लगी हुई, शदीद किस्म की लगी हुई है, जाके रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं और फिर घर चलते हैं। यहाँ के और मज़े की बात कहूँ, ये KLCC बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है, इसलिए यहाँ के डिफरेंट जो मॉल के पार्ट्स उसके उसको उनको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कुछ कुछ एरियाज में उन एरियाज को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया हुआ है, जैसे अम्पंग मॉल, पार्क मॉल, इस तरह के लोगों को ना ढूंढने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक शहर लो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स बनाते हो, इसी तरह एक ये KLCC बहुत बड़ा है इसलिए इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं। बहुत ही खज्जल ख़राब होने के बाद ख़वातीनों हज़रात बच्चों बुज़ुर्गों हमें पार्किंग मिल गई है, पार्किंग कर दी है, हम जा रहे हैं खाना खाने। एक बात हमेशा याद रखनी है, इधर पार्किंग बहुत का बहुत इशू है क्वारंटाइन में। इसके अलावा एक और चीज़, दो ऐप्स लाजमी डाउनलोड करनी है, एक ग्रैब और एक वेज,
वेज इतना चलता है कि कैमरा पुलिस गाड़ी खड़ी कुछ भी है, आपको गाड़ी काट देंगे कुछ भी है। मैं तो ये इमेज के मैं भी खुद थी, हम जा रहे थे 140-160 पे, तो जैसे ही वेज के तक कैमरा आया हेड ब्रेक सारी गाड़ी ग्रैब आपका ऊपर काम करिए तो फूड पार्टी का काम करिए, खुद बहुत यूज़ करता हूँ फूड पार्टी के लिए। मटन है, दाल माश है, रोटी है, लस्सी है, पापा ने लस्सी नहीं मंगवाई, पापा कहते पानी पीना है, साइड से उड़ा आ रहा है, खा लें फिर मिलते हैं, बहुत भूख लग रही है। उफ, खाना खा लिया, मज़े का था, बहुत मज़े का था खाना, अपना टेस्ट अपना ही होता है, जो मर्जी कर लो। ठीक है, अब यहाँ से हम जा रहे हैं घर, सारे काम घूम हो गए हैं, अब घर जाना है, घर जाके रेस्ट मारेंगे। व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, अच्छा लगा हो, गंदा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा मर्जी लगा हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।